हर हर महादेव, जय माँ बाबा की। स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। आज 7 सितंबर है, आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र और गुजरात साइड में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो पिछले 4 सालों से गणपति बप्पा हमारे घर पे भी आते हैं, हमसे भी सेवा लेते हैं और दरबार से जुड़े हमें 5 साल हो गए हैं। और इन माँ बाबा गुरुदेव की इतनी असीम कृपा है कि उनकी वजह से भगवान श्री गणेश जी का आगमन हमारे घर पे होता है। हमें सेवा का मौका भगवान श्री गणेश जी देते हैं और जब भी आते हैं कुछ न कुछ हमें वो दे कर जाते हैं, हमारा बहुत अच्छा करके जाते हैं। तो हम बाबा का जो सेवा हम करते हैं पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और हमने 5 साल के लिए बाबा से संकल्प लिया था कि 5 साल हम आपको घर में कंटिन्यू लेके आएंगे, उसके बाद बाबा आपकी मर्जी। आ तो वो अपनी मर्जी से रहे, लेकिन हमने ऐसा कहा था बाबा से कि 5 साल लाएंगे, सेवा करेंगे, उसके बाद भी हम लाना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा रहेगी तो उसके बाद भी लेके आएंगे। तो अभी सुबह के बज गए हैं 6:30 और यहाँ पे देख सकते हो संदीप अपना बेडशीट सब लगा रहे हैं, मतलब साफ सफाई जो है ना चल रही है, साफ सफाई अच्छे से चल रही है। देख सकते हो संदीप अपना साफ सफाई पे लगा हुआ है और फोल्ड करके लगाओ, तो ये यहाँ पे साफ सफाई चल रही है। और 11 बजे से लेके 12 बजे तक का मुहूर्त है गणेश भगवान का, जो प्राण प्रतिष्ठान होगा, आरती पूजन जो होता है सारा, तो 11:30 से होने वाला है। तो हमारे जो ब्राह्मण देवता है ना, वो 11:30 आएंगे। ये देखो डेकोरेशन कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना सुंदर। रात को ना थोड़ा और भी ज़्यादा इन लोगों ने किया था, तो अटपटा लगा, उन लोगों को ठीक ठाक नहीं लगा, इसीलिए इन लोगों ने चेंज करके इतना सिंपल इस तरह का डेकोरेशन किया। यहाँ बप्पा को हमारे बिठाएंगे और सारा फल फ्रूट जो है यहाँ पे रखेंगे, सारा हमारे बप्पा यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता का आगमन हो जाएगा तो फिर उसके बाद पूरा विधिवत करेंगे। अभी झाड़ू पोछा सब हम लोग फटाफट कर लेते हैं। और संदीप बाबू लगा दिए ना बेडशीट, देखो ये नया बेडशीट भी यहाँ पे लगा दिया गया है, ये फिर यहाँ पे चेंज कर दिया, पहले ये था अब ये हो गया है। बाबू जाके बड़ा नहाओ, यहाँ बैठना नहीं, जाओ जा नहाओ ना, हमेशा देखो ये लड़की ना हमेशा गर्म रहती है काम के मामले में कड़क। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे घर में हमारे कोई काम होके ना होके, लेकिन हमारे माँ बाबा की आरती जो है ना टाइम पे हो ही जाती है। हमारी प्यारी जो मम्मी है ये कर ही डालती हैं। देखो माँ बाबा की आरती हो गई है, यहाँ पे सब पूजा पाठ की जो सामग्रियाँ हैं ना वो सब भी आ चुकी हैं। यहाँ पे देखिए फल वल भी आ गया है, सारी मतलब तैयारियाँ जो है लगभग हो ही चुकी है, बस उसको व्यवस्थित कर देना है। तो मैं फटाफट अब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, अभी फिलहाल में मेरा खुद भी नहाना बाकी है, तो मैं फटाफट मैं सोच रही हूँ आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि आज बड़ा विशेष दिन है, पूजा पाठ के समय साड़ी पहनना बड़ा अच्छा लगता है, तो आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। यहाँ पे देखो नया बेडशीट लगा दिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब कोई बैठना नहीं इसके ऊपर, क्या दीदी अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये सब चीजें तो भाई मैं जगह थी नहीं इसलिए यहाँ पे रखी हूँ, कचरा कुछ नहीं है, वो सब अपना मेकअप का सामान है। सब अच्छा लग रहा है, तो मैं अब मैं फटाफट ना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं, है ना। मैं आपको पूरा चीज दिखाऊंगी, ब्राह्मण देवता का आगमन पूजा पाठ में सब दिखाना चाहती हूँ। है संदीप, मेरे वीडियो में ना कोई नुस्क नहीं निकालने का। ये आप लोग देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ और साड़ी पहनी हूँ, लाइट पिंक कलर की साड़ी है और ये साड़ी मम्मी की है, आप लोग देख सकते हैं काफी खूबसूरत लग रही है ना। तो मम्मी की साड़ी मैं पहनी हूँ और अभी थोड़ी देर में हमारे घर पे ब्राह्मण देवता का आगमन हो जाएगा और फिर उसके बाद भगवान श्री गणेश जी का स्थापना होगी, उनका प्राण प्रतिष्ठान होगा, फिर आरती पूजन होगा। तो अभी उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, अभी वो लगभग 11:30-12 बजे के आसपास आएंगे और अभी 11 बज रहा है। अभी हम गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए हलवा रेडी कर रहे हैं और जो भी हमारे घर पे भोजन बनेगा पहले गणपति बप्पा को भोग लगेगा, माँ बाबा को भोग लगेगा। तो देख सकते हैं, आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि गणपति बप्पा बहुत से लोग बिठाए हैं तो आप लोग को इनविटेशन है, क्या जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, इसमें क्या है, माँ बाबा को ध्यान करो, प्रार्थना करके आप जा सकते हैं। और गुरुदेव कभी भी
गणेश चतुर्थी के लिए कहीं मना किए नहीं है, आप लोग खुद भी अपने घर पे बिठा सकते हैं, है ना। तो मेरी मम्मी की प्यारी सी साड़ी, अच्छी लग रही है साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसा लगा देखो? साड़ी के बाद ना हम बदल ही जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बस हम लोग बड़े हो गए, अब हम बच्चे नहीं दिखते, साड़ी के बाद ना मैच्योर दिखते हैं। अपने आप को देख के खुशी मिलती है, मतलब अपने आप को देखते रहो कांच में साड़ी में, मजा आ रहा है। चलिए तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखते हैं संदीप क्या कर रहे हैं, है ना। चलते हैं, देखो चंद्रेश जी भी आ गए, पापा मेरे अभी ब्राह्मण देवता का इंतजार कर रहे हैं सो के, मम्मी देखो बिल पढ़ रही है। आई मम्मी को पढ़ने आता है? कितना बिल आया है? 700 बिल आ गया, दिखाओ कहाँ लिखा है मम्मी 700 बिल, दिखाओ। ब्राह्मण देवता का आगमन होगा ना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत विधिवत पूजा करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी पूजा पाठ, टाइम पे करते हैं, सारे मंत्र सही से उच्चारण करते हैं, मतलब विधिवत करते हैं, तो मुझे उनका पूजा बहुत पसंद है, हमारे ब्राह्मण देवता का। देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। ओहो, आज खाना संदीप बना रहे हो। संदीप क्या बना रहे बेटा? अरे दाल, अरे वाह, अरे संदीप आज खाना संदीप बनाया है, गजब संदीप। ये संदीप आज संदीप खाना, आज का खाना जो है ना हमारे बीच वाले भाई संदीप ने बनाया है, ये तो हर बार ही हेल्प करते हैं, लेकिन आज खाना इंतजार करते करते इनको बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग घर का साफ सफाई कर रहे थे, रेडी हो रहे थे, तो आज ये था कि पहले पापा को भोग लगाने के लिए बना लेंगे हलवा, उसके बाद बनाएंगे, लेकिन ये इनको जाना था गोदाम पे, तो इन्होंने फटाफट ही पहले खाना बना दिया। क्या क्या बनाया देखो? दाल चावल। ओह माय गॉड, चावल दिखा, चावल का अच्छा बना है, चावल भी अच्छा बना है, और ये दाल भी अच्छा बना है। दाल में क्या क्या है? चुआरा। पापा थोड़ा गायब है मम्मी। दाल मतलब सब्जी बनाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे दाल बनाया नहीं बना हुआ है, दाल मारा है बिना लहसुन प्याज के, देखो इन्होंने बनाया है। और अब जब तक हमारे पापा घर में रहेंगे, जब तक हमारे पापा रहेंगे घर में, तब तक बिना लहसुन प्याज के खाना बनने वाला है, बस इंतजार हो रहा है ब्राह्मण देवता का, देखो कब तक वो आते हैं। थोड़ा हम लोग ये देख लेते व्यू, देखो ये कहाँ कितना सुंदर, हमारे यहाँ मेरे घर के सामने का ना जो नज़ारा है ना, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे समी का एक पेड़ है, तो मज़ा आ जाता है, हमारे भगवान भोलेनाथ। अरे यहाँ पे तो दूब भी है, देखो दूब कहीं बांस लाने की आवश्यकता भी नहीं है, इधर से तोड़ लेंगे, दूब है यहाँ पे ना। हमारे यहाँ पे जैन लोग ज़्यादा रहते हैं, जैन धर्म के लोग, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई आ रहा है, कोई पता नहीं कौन है, कोई धर्म के लोग हैं, चश्मा लगा दो पहले, चश्मे से अच्छा साफ साफ दिखेगा दूर दूर का, जैन लोग है ना। ये सारे व्रत वाले हैं, अरे बाप रे कहाँ जा रहे हैं, जो जैन मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सारे जैन धर्म के लोग हैं ना। यार बड़ा कड़क नियम है, मतलब कोई 10 दिन से पीना, मतलब पानी पे ही है, कितनी कठिन तपस्या करते हैं ये लोग। मुझे लगा कुछ गणपति पप्पा को लेके जा रहे होंगे, लेकिन तो सब जैन लोग हैं। पीछे ही ना जैन मंदिर भी है, हमारे घर के पीछे ही जैन मंदिर भी है। सुनीता दूध मिल गया है? दूध मिला पता है, इधर ही है अपने शिवलिंग जहाँ पे है ना स्थापित, उधर ही दूध है। तो थोड़ी नहीं हूँ, तोड़ना भी नहीं, जमाई हूँ, तो
थोड़ा शांत भी रह कर क्यों इतना हाइपर रहती है हमेशा, है अंदर और कुछ है नहीं क्या? नहीं तो कुछ खाई नहीं, तो कहाँ से है? तो मैं क्या खाई हूँ? आज खाना भी नहीं, पूजा के बाद ही खाना है। कुछ बोली क्या मैंने? तो क्यों इतना हाइपर क्यों रहती है? क्या बोली मैंने? देख फिर हाइपर हो गई।